हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? बहुत ही कम समय में पढ़ेंगे हम इसको, व्हाट इज स्ट्रेस। अगर आपने किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई किए हैं, मान लो ये कोई आपके पास बॉडी थी, आपने इसके ऊपर, ये बॉडी है आपकी, इसके ऊपर आपने पी फोर्स अप्लाई कर दिया। पी फोर्स अप्लाई किया, अब इससे होगा क्या? जब आपने पी फोर्स अप्लाई किया तो इस पी फोर्स का जो नेचर है, ये मॉलिक्यूल्स मैं बना रहा हूं यहाँ पर, इस पी फोर्स का जो नेचर है इन मॉलिक्यूल्स को आगे खींचना। आपने पी फोर्स ऐसे लगाया, जब ये पी फोर्स लगा तो ये जनरली हम ये एज्यूम करते हैं, अगर आप ये पी फोर्स सेंट्रॉइड पर लगाओगे तो ये हर मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आप अंदर इनसाइड के थोड़े थोड़े अंदर के मॉलिक्यूल पर देखोगे तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो होगा क्या, जो फोर्सेस लग रही है, इन फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल बाहर की तरफ जाएंगे। बट अब होगा क्या, यहां पर भी हमारे कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स के जस्ट पीछे। तो इन दोनों के बीच में, ये जो दो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं। तो जैसे आप इसे बाहर को खींचोगे तो अंदर वाला मॉलिक्यूल है वो इन मॉलिक्यूल को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो अब आप इन मॉलिक्यूल्स को अगर देखोगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स को अगर देखोगे, तो ये मॉलिक्यूल्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे ऐसे, और इन पे फोर्सेस इस तरीके से लग रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने बाहर से लगाया फोर्स, बाहर से फोर्स लगाया है, और ये अंदर से, ये जो पीछे की तरफ फोर्स आपको दिख रहे हैं, इंटरनली इंड्यूस्ड फोर्सेस है। तो ये जो फोर्सेस होते हैं इंटरनली इंड्यूस्ड फोर्सेस पर यूनिट एरिया इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो एरिया होता है ना, वो एरिया टेंडिंग टू जीरो होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं, हर मॉलिक्यूल फोर्स इंड्यूस कर रहा है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, और उनकी वजह से इन पे भी फोर्सेस आ रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल जो होते हैं पॉइंट की तरह ही होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे जो फोर्सेस हैं वो इंड्यूस हो रहे हैं। इंटरनली इंड्यूस्ड फोर्सेस पर यूनिट एरिया इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो एरिया है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसलिए पर यूनिट एरिया उसने बोल दिया। तो इंटरनली इंड्यूस्ड फोर्सेस पर यूनिट एरिया आर नोन एज स्ट्रेसेस। और ये इंटरनली इंड्यूस्ड फोर्सेस कब आएंगे? व्हेन यू ट्राई टू डिफॉर्म द बॉडी। जब आप उस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन आएंगे, उन डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं या इंटरनल फोर्सेस इंड्यूस होते हैं। वो फोर्सेस पर यूनिट एरिया आर नोन एज स्ट्रेसेस। ठीक है, स्ट्रेसेस के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं, मेरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स सोम के ऊपर पूरी लेक्चर सीरीज है। तो अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या स्ट्रेस के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन, दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।